तो कल के क्लास में हम लोग हेलोइल्केन्स सेलोएरिन्स का नामकरण वर्गीकरण को देखे थे। आज हम लोग बनाने की विधि को देखते हैं कि हेलोइल्केन्स बनाएंगे कैसे, हेलोएरिन्स बनाएंगे कैसे। तो हेलोइल्केन्स को बनाने की कई विधियां हैं। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से हेलोइल्केन्स बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में, तो आराम से हेलोइल्केन बन जाएगा। होगा क्या रिएक्शन के दौरान, ये R का मतलब अल्काइल है, अल्काइल का मतलब कि कार्बन आप 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अगर हम मिथाइल लेते हैं तो मिथाइल हैलाइड बनेगा, इथाइल लेते हैं इथाइल हैलाइड बनेगा, प्रोपाइल लेते हैं प्रोपाइल हैलाइड बनेगा। तो रिएक्शन के दौरान ये पहला प्लस, OH पर माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस, बता दिए हैं कैसे टूटता है, रिएक्शन सिखा चुके हैं आप लोगों को, इस चैनल में ही मिल जाएगा, आप खोजेंगे वीडियो तो। तो अल्काइल चला गया हैलाइड के साथ और H चला गया OH के साथ, पानी का निर्माण हो गया। अब जैसे हम R के जगह पर CH3OH लेते हैं और HCl लेते हैं, रिएक्शन कराएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो CH3 के साथ क्या जाएगा Cl और H के साथ क्या जाएगा OH, पानी निकल गया। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन की गिनती बढ़ा दी जाए और यहाँ पे OH समूह दे दिया जाए। ये भी हो सकता है कि HBr ले लिया जाए और रिएक्शन कराने का कोशिश। देखिए अब आप पूरे ग्रुप को नहीं, आप इसके माइनस वाले समूह को खोजिए, माइनस कहाँ है, OH पर है, तो OH पर माइनस है तो बाकी जितने बच गए इस पर तो एक प्लस होगा सामान्य भाषा में, अन्यथा यहाँ से अगर OH माइनस निकालते हैं तो यहाँ के कार्बन पर क्या होगा प्लस। अब इसको तोड़ेंगे प्लस और माइनस, तो OH किसके साथ गया H के साथ, तो जहाँ से आपने OH को रिप्लेस किया है वहाँ पे Br लग जाएगा, Cl होता तो Cl लग जाता, बाकी पे हाइड्रोजन होंगे। अब नामकरण तो सिखा दिए हैं, NCERT के नोमेनक्लेचर का सॉल्यूशन भी है इसमें, आप देख लेंगे हेलोइल्केन सेलोएरिन्स का सॉल्यूशन डाला हुआ है, देखिएगा मिल जाएगा इसमें, तो इसी चैनल में मिलेगा आपको। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, कहीं से गिनती करेंगे, 2 पर ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, अगर OH समूह 1 पर होता तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, अगर HCl लेते तो 2 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा, बना लेंगे इसको। दूसरा बढ़ाने का विधि है अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाए तो रिएक्शन कैसे होगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो भाई अब हम आपको एक चीज़ और क्लास में बताए हैं कि केमिस्ट्री से हिंदी पढ़ना, हिंदी से केमिस्ट्री पढ़ना सीखिए तो आसान हो जाएगा बना लेना। अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनेगा, तोड़ लेते हैं पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, अगर इसी के प्लस को इसके माइनस के साथ और इसके प्लस को इसके माइनस के साथ भेज देते हैं तो ये क्या है भाई, ये भी तो रिएक्शन में भाग लेगा। तो H2SO4 के पास दो H होते हैं यानी दो प्लस हैं, तो एक बार में दोनों प्लस नहीं देगा, H पर प्लस तो HSO4 पर माइनस। तो अब इसका प्लस कहाँ गया इस माइनस के साथ, इसका प्लस कहाँ गया इस माइनस के साथ, और इसका प्लस कहाँ गया इस माइनस के साथ, क्या बना भाई RBr NaHSO4 प्लस H2O सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट अल्काइल ब्रोमाइड। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, जो अल्कोहल लेंगे उसी के हिसाब से बनेगा, ठीक है। बंद कर दो पंखा। तीसरा है अल्कोहल की अभिक्रिया
फास्फोरस ट्राई हैलाइड से कराया जाए। ये अल्कोहल है, इसका अभिक्रिया PCl3 से ही करा देते हैं। रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 क्लोरीन है, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, पहले जो लिखते हैं वो धातु होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, बाद में लेने वाला। तो मेरे पास 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के 3 माइनस हो गए, तो 1 पी पर कितना प्लस आया? 3, तब तो बैलेंस है, क्योंकि अणुसूत्र का निर्माण तभी होता है जब दोनों के कुल योग 0 हो। अब इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस और 1 माइनस मिलेगा, लेकिन यहाँ से कितने माइनस मिल रहे हैं? 3। तो हम यहाँ पे 3 लगा दें तो 3 प्लस मिल जाएगा, तो 3 प्लस किसके साथ जाएगा? 3 माइनस के साथ। क्या बचा यहाँ पे? 3 को अल्काइल, तीनों पर प्लस है, 3 क्लोराइड, तो 3 बार थोड़ी लिखेंगे, 3 RCl अल्काइल हैलाइड बन गया। और पी किसके साथ गया? 3 OH के साथ, जिसको हम लोग H3PO3 भी लिखते हैं, फास्फोरिक अम्ल बन जाएगा। अगला है, अल्कोहल से ही बनाना हो तो अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए थे भाई कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 3 क्लोरीन आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और 2 क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। 2 क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है और 3 क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ मिनिमम होता है। तो जैसे ही पी से, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी है, एक बार आया है बोर्ड के एग्जाम में, कि PCl5 को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो जवाब यही होता है कि PCl5 को जैसे ही गर्म करेंगे PCl3 देगा और Cl2 को रिलीज कर देगा। यानी यहाँ से 2 Cl हमको अलग अलग मिल जाएंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ के बॉन्ड के फ्रैक्शन को देखिए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन पर कितना माइनस? 2, 1 प्लस यहाँ, 1 प्लस यहाँ, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा। चलिए इसको और डिस्टेंस पर ले लेते हैं, PCl5। तो अब इसमें से 2 Cl- आपने निकाल लिया, तो इसमें क्या बचा? PCl3। तो PCl3 पर कितने प्लस आ गए? 2। क्यों? क्योंकि इसमें से आपने 2 माइनस निकाला है। तो ये एक माइनस किसके साथ गया? 1 प्लस के साथ। ये माइनस किसके साथ गया? इस प्लस के साथ। और ये प्लस कहाँ गया? इसके माइनस के साथ। अब इसको आप जोड़ दीजिए, RCl, HCl और POCl3। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 2 माइनस होता है, आपने इसमें से 2 माइनस निकाले थे, इसको अपना 2 माइनस वापस मिल गया, फॉस्फोराइल क्लोराइड बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं, थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया। तो सबसे अच्छे तरीके से अल्काइल हैलाइड थायोनील क्लोराइड के अभिक्रिया से बनता है। अब क्यों बनता है उस पर आप विचार कर लें। यह है अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया कराए थायोनील क्लोराइड से, होगा क्या कि फिर 2 Cl है मेरे पास, 2 माइनस मिल गए, तो यहाँ क्या बचा? SO, इस पर 2 प्लस हो गए, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, 1 ऑक्सीजन पर कितना माइनस? 2, हाइड्रोजन पर 1 प्लस, अल्काइल पर 1 प्लस, तो 1 माइनस गया, इसका माइनस इसके प्लस के पास, ये माइनस इसके प्लस के पास, और ये प्लस इसके माइनस के पास, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ और उसका प्लस इसके माइनस के साथ भेज देंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो बना क्या? RCl, HCl और SO2। तो यहाँ से अल्काइल हैलाइड अति शुद्ध प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो साथ में प्रोडक्ट बन रहे हैं ये गैस हैं, तो ये आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे और ये लिक्विड स्टेट में फ्रेश मिलेगा आपको, इसमें कोई मिश्रण नहीं होगा, अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, बनता है इससे। अगला है
एल्केन पर हेलोजनेशन कराने से। तो एक तो मैट्रिक में भी मिला होगा भाई, CH4 है, Cl2 से रिएक्ट कराना है। तो अगर सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कराएंगे तो ये अच्छा कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, क्लोरीन आराम से जुड़ जाएगा। लेकिन अंधेरा होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो सूर्य का प्रकाश लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, H मिलेगा। कार्बन के पास देने के लिए क्या है, H। तो H एक Cl के साथ चला जाएगा, तो ये एक Cl कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन रिएक्शन रुकेगा नहीं, फिर से रिएक्शन शुरू किया जाए तो एक Cl और एक H के साथ जाएगा और एक Cl और लग जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। फिर रिएक्शन को शुरू करेंगे Cl के साथ, तो एक H और एक और Cl के साथ जाएगा और एक Cl और लग जाएंगे। फिर अगर आप Cl2 से रिएक्ट कराएंगे तो सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और HCl रिलीज हो जाएगा। अब रिएक्शन रुक जाएगा। अब देखिए, कार्बन अगर लंबा हो, जैसे यहाँ पे देखिए चार कार्बन के एल्केन हो गए, एल्केन से बड़े एल्केन से हैलोजनेशन करा के, हैलोजनेशन का मतलब हैलोजन जोड़ना, हेलो एल्केन्स कैसे बनेगा। तो देखिए पहले कार्बन पर तीन हाइड्रोजन, पहले कार्बन पर तीन, और इधर से गिने तो ये फर्स्ट और इधर से गिने तो ये फर्स्ट, ये दोनों पे तीन तीन हाइड्रोजन है, अब बीच वाले पे दो दो हाइड्रोजन है। तो भाई अगर हेलोजन यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो एक एच के साथ सी एल चला जाएगा, एच सी एल तो रिलीज होगा ही माइनस। तो आप यहाँ लगाएं, पहले पे लगाएं या लास्ट पे लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ यहाँ या फिर इधर। अगर यहाँ लगाए हो तो 1-क्लोरोब्यूटेन, वहाँ लगाओगे तो 1-क्लोरोब्यूटेन, दोनों एक ही उत्पाद है, दो अलग अलग नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो दूसरी संभावना बनती है कि ये दूसरे पे जाए, नीचे जाए या ऊपर, या यहाँ जाए या यहाँ जाए। यहाँ गया तो 2-क्लोरोब्यूटेन, यहाँ जाता तो भी 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक ज़्यादा बनेगा और एक कम बनेगा, मार्कोनिकफ रूल के अनुसार। मार्कोनिकफ रूल भी पढ़ाया हुआ है, देख लेंगे आप इसको, बन जाएगा। और इससे भी आसान तरीका है बनाने का, एल्कीन को ले लीजिए, कोई भी एल्कीन ले लें आप, और इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराएं। क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड कमजोर होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, पढ़ा चुके हैं। तो डबल बॉन्ड टूटा, एक पर गया प्लस वाला, एक पर गया माइनस वाला, आपकी मर्जी, जहाँ प्लस वाला भेज दे, जहाँ माइनस वाला भेज दे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कार्बन की गिनती अगर लंबी कर देंगे ऐसे तो आपको ध्यान देना होगा। बताइए डबल बॉन्ड यहाँ है, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, तो अगर ऐसे स्थिति में आप रिएक्शन कराते हैं तो माइनस वाला समूह वहाँ जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो सबसे कम हाइड्रोजन तो बीच वाले पे है, तो Cl जाएगा यहाँ, और टूटने के लिए तो डबल बॉन्ड ही टूटेगा, बाकी पे हाइड्रोजन तो होंगे ही, बन गया प्रोडक्ट। लेकिन एक बात है, मार्कोनिकफ रूल के द्वारा रिएक्शन होता है, अगर आप इसके जगह पर HBr लेते तो भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन एंटी मार्कोनिकफ रूल कहता है, एंटी मार्कोनिकफ रूल को खरास प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव कहा जाता है। अगर HBr का रिएक्शन अगर कराएंगे आप पेरोक्साइड के प्रेजेंटेशन में तो रिएक्शन उल्टा होता है। क्या होगा भाई, जिस पे हाइड्रोजन अधिक है वहीं पे हैलोजन जाएंगे, यानी कि अब Br- यहाँ नहीं जाएगा, पेरोक्साइड नहीं होता तो यहाँ जाता, पेरोक्साइड है तो यहाँ जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि HCl भी ऐसा करेगा, ऐसा नहीं, केवल HBr ही देता है ये रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास प्रभाव HBr देता है, HCl, HF, HI नहीं देता। तो Br चला जाएगा यहाँ, H चला जाएगा यहाँ, बन जाएगा रिएक्शन। तो अगर एल्कीन की अभिक्रिया
हम लोग हैलोजन से करा दें तो भाई ये डबल बॉन्ड ही टूटेंगे और दूसरा कोई उपाय है नहीं, मेरे पास दो बियर ही हैं, तो डबल बॉन्ड कमज़ोर था, टूट गया, दो बियर थे मेरे पास, दोनों एक दूसरे पे एक एक पे लग गए। अगर कार्बन का गिनती लंबा करते हैं तो फिर बता दें कि डबल बॉन्ड ही टूटेगा और यहाँ यहाँ बियर लग जाएंगे, सीएल होगा तो दो सीएल लग जाएंगे। अगर कार्बन का गिनती लंबा कर देते हैं तो भी कोई सोचने की बात नहीं है। अगर हम इसका Cl2 से ही रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, दो Cl है मेरे पास, दूसरा कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो बॉन्ड दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हेलो एल्केन बनाने की विधि को हम लोग खत्म करते हैं, आप अगले क्लास में हेलो एल्केन बनाने के लिए, ठीक है।